गरम पोस्ट को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल का आइकन जरूर दबाएं। 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए में खींचतान जारी है। जहां एक तरफ सीट बंटवारे को लेकर के जदयू की तरफ से कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग पर बिहार एनडीए के चारों घटक दलों के बीच सहमति बन गई है, वहीं इसकी घोषणा को लेकर के दूसरे घटक दल इस बात से इनकार कर रहे हैं। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह पहले से ही कह चुके हैं कि सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है और जल्द ही इसका ऐलान कर दिया जाएगा। इसी पर आज 24 अक्टूबर को जदयू के महासचिव और राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह ने भी कहा है कि बिहार में सीटों का बंटवारा हो चुका है, इसके लिए बस बयान का इंतजार बाकी है। बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो चुकी है। आरसीपी सिंह ने कहा है कि बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है और एनडीए के बड़े नेता जल्द ही इसकी घोषणा भी कर देंगे। आरसीपी सिंह ने ये बयान देकर पार्टियों के बीच मतभेद के तमाम कयासों को खारिज कर दिया है। पिछले कुछ महीनों से बिहार एनडीए के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। इसे लेकर कई दौर की बातचीत भी हुई। सीटों की संख्या को लेकर भी तमाम तरह के दावे किए जा रहे थे। अब आज 24 अक्टूबर को आरसीपी सिंह के बयान के बाद उम्मीद है कि जल्द ही एनडीए में सीटों को लेकर के तस्वीर साफ हो जाएगी। उधर मंगलवार को एनडीए सीटों के बंटवारे को लेकर के लोजपा ने बिहार प्रदेश अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा था कि हम 7 सीटों से कम पर समझौता नहीं करेंगे। उधर रालोसपा ने भी बयान जारी करते हुए कहा कि सीटों को लेकर के अभी तक एनडीए घटक दलों के बीच बातचीत चल रही है, जब बैठक ही नहीं हुई है तो सीटों के बंटवारे का सवाल ही कहां पैदा होता है। ये बयान रालोसपा के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह कुशवाहा ने दिया था। इस बीच जदयू के महासचिव आरसीपी सिंह के बयान ने बिहार में बखेड़ा खड़ा कर दिया। द गरम पोस्ट की रिपोर्ट।